हेलो व्यूअर्स वेलकम टू कंपीट आईक्यू योर गेटवे टू एग्जाम सक्सेस आज हम करेंगे टॉप 25 जीके जीएस एमसीक्यू पीवाईक्यू प्रैक्टिस सर जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है ये सेशन आप लोगों को उन सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा जिसमें भी जीके जी पूछा जाता है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड लेट्स बिगिन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम मिजोरम का कैपिटल ऑफ पिक्चर देख के बता सकते हैं एजोल इज द करेक्ट आंसर तो कैपिटल ऑफ मिजोरम इज एजल लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज दिन ऑटोग्राफी ऑफ देश लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज द ऑटोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला पिक्चर के ही बता सकते थे करेक्ट आंसर इज नेल्सन मंडेला सागा दवा इज द फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट सागा दवा इज द फेस्टिवल ऑफ सिक्किम आप लोग फेस्टिवल्स एंड फेयर्स याद रखना सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं आर्ट एंड कल्चर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सागा दवा किस स्टेट का फेस्टिवल है देन सिक्किम बहुत बड़े एग्जाम्स में पूछा गया है आप लोग ध्यान दीजिएगा पुंग इज द फोक डांस ऑफ व्हिच स्टेट पुंग चोलंग इज द फोक डांस ऑफ मणिपुर तो करेक्ट आंसर इज मणपुर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड इज डैश नागालैंड का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश एंड आप लोगों के लिए एक होमवर्क है आप लोग जितने भी स्टेट्स का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है उन स्टेट्स को कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इंग्लिश द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन डैश हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है देन करेक्ट आंसर इज नागालैंड तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड में संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू हिट स्पोर्ट्स संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू फुटबॉल करेक्ट आंसर इज फुटबॉल संतोष ट्रॉफी कब एस्टेब्लिश हुआ था एंड 2023 का या तो फिर 24 का जो भी रीसेंट विनर है संतोष ट्रॉफी का वो कौन है कौन से स्टेट है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैंशन कीजिए आपका होमवर्क है एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फुटबॉल द कैपिटल ऑफ सीरिया इज डैश सीरिया का जो कैपिटल हुआ है दमस्कस ये देखिए दमस्कस पिक्चर में बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है करेक्ट आंसर इज दमस्कस द टर्म डॉल्फिन किक इज एसोसिएटेड विथ हिच स्पोर्ट आप पिक्चर में देख के ही बता सकते हैं डॉल्फिन किक इज़ ए टर्मिनोलॉजी यूज इन स्विमिंग तो करेक्ट आंसर इज स्विमिंग एंड कुछ अदर टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं स्विमिंग के इंक्लूड्स फ्री स्टाइल बटरफ्लाई बैक स्ट्रॉक ब्रेस्ट स्ट्रॉक इंडिविजुअल मेडले फ्री स्टाइल आई एम दैट इज फ्रीम एट्सेट्रा ये सब भी स्विमिंग के टर्मिनोलॉजीज है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं आप लोग याद रखना नॉटरे दैम कैथेड्रल इज लोकेटेड एट पैरिस फ्रांस तो करेक्ट आंसर इज पैरिस

द स्टेचू ऑफ यूनिटी इज लोकेटेड नियर देश स्टेचू ऑफ़ यूनिटी जो है वो सरदार सरोवर डैम के पास लोकेटेड है जो नर्मदा रिवर के ऊपर सिचुएटेड है कहाँ किस रिवर के ऊपर ये भी पूछा जाता है नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश में से जो फ्लो होकर आता है इन द स्टेट ऑफ गुजरात मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश में ओरिजिनेट होता है लेकिन सरदार सरोवर डैम जो है वो नर्मदा रिवर के ऊपर ही है इन गुजरात एंड इसके ऊपर स्टेचू ऑफ यूनिटी लोकेटेड है जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टेचू है विद अ हाइट ऑफ 182 मीटर्स और 597 फीट एंड ये कहाँ पे लोकेटेड है केवड़िया के पास लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात इंडिया करेक्ट आंसर इज सरदार सरोवर डैम हु इज़ नोन एज फ्रंटियर गांधी अब्दुल गफ़र खान खान अब्दुल गफ़र खान इज़ नोन एज फ्रंटियर गांधी करेक्ट आंसर इज़ अब्दुल गफ़र खान इन हुई चीयर इट इंडिपेंडेंट इंडिया मे इज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड इन द गेम ऑफ हॉकी फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड जो है वो नाइनटीन फोर्टी एट में इंडिया ने विन किया था बाई डिफीटिंग ब्रिटेन एंड किस ये ओलंपिक्स कहाँ पे हुआ था ये ओलंपिक्स गेम हुआ था इन लंडन इन द ईयर 1948 किसको डिफीट किया था ब्रिटेन को करेक्ट आंसर इज 1948 द खेलो इंडिया यूथ गेम्स वॉज प्रीवियसली कॉल्ड डैश खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नेम से जाना जाता जिसको बाद में रीनेम करके खेलो इंडिया यूथ गेम्स किया गया एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स एंड इस साल का जो विनर रहा है वो रहा है महाराष्ट्र विथ मेडल टेली फिफ्टी सेवन गोल्ड फोर्टी एट सिल्वर एंड फिफ्टी थ्री ब्रॉन्स एंड होस्ट कौन सा स्टेट था दैन तमिलनाडु वॉज द होस्ट स्टेट ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड इस तमिलनाडु में जो होस्ट हुआ था इस साल का खेलो इंडिया यूथ गेम्स उसका मैस्कॉट क्या था वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए आप लोग का होमवर्क है फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स वैन वॉज दी आम आदमी पार्टी एटेब्लिड आम आदमी पार्टी नवंबर टू थाउजेंड ट्वेल्व में एस्टेब्लिश हुआ था एंड प्रेजेंटली कितने नेशनल पोलिटिकल पार्टीज हैं एलिजिबल फॉर इलेक्शन एस नेशनल पार्टी वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैंशन कीजिए कितने हैं नंबर्स देन सिक्स एंड कौन से है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैं कीजिए आप लोग का होमवर्क है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नवंबर टू थाउजेंड ट्वेल्व मेरीकॉमिल्स टू विच स्टेट मेरी कॉम बिलोंग्स टू मनीपुर ये कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेडेड है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैंशन कीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मनीपुर इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड एट डैश इंदिरा पॉइंट जो है इट इज़ लोकेटेड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स तो करेक्ट आंसर इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है इंदिरा पॉइंट ये आप लोग याद रखना कहाँ पे लोकेटेड है देन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के ग्रेट निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया सेंट टुवर्ड्स लूनर इज डैश फर्स्ट सैटेलाइट जो था इंडिया का जो लूनर में सेंट हुआ था वो था चंद्रयान वन दैट इज़ मून में सेंट होने वाला एंड इस साल चंद्रयान थ्री जो रहा वो सक्सेसफुल रहा जिस वजह से हम अगस्त ट्वेंटी थ्री जिस दिन को चंद्रयान थ्री लॉन्च हुआ आई मीन मून में लैंड किया उस दिन को हम लोग नेशनल स्पेस डे के जैसे सेलिब्रेट से करेंगे एवरी ईयर ऑन ट्वेंटी थर्ड अगस्त एंड चंद्रयान थ्री सक्सेसफुल रहा इसी वजह से फर्स्ट सैटेलाइट जो था इंडिया से लूनर दैट इज मून पे लैंड करने वाला वो था चंद्रयान वन And हम लोग कुछ इंपॉर्टें डेट्स देख लेते हैं जिनमें चंद्रयान वन टू एंड थ्री लॉन्च हुआ था चंद्रयान वन लॉन्च हुआ था ऑन ट्वेंटी सेकेंड अक्टूबर टू थाउजेंड एट चंद्रयान टू लॉन्च हुआ था ऑन सिक्स सेप्टेम्बर टू थाउजेंड नाइनटीन एंड चंद्रयान थ्री ऑन फोर्टीन जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एड टू थर्टी फाइव पी एम सिंस दिस ईयर लॉन्च हुआ है तो टाइम इंपॉर्टेंट बनेगा बट चंद्रयान टू जो था वो हमारा फेल हो चुका था यह भी डेट आप लोग याद रखना डेट्स इंपॉर्टेंट बनते हैं एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चंद्रयान वन हाउ मैनी नॉन परमानेट मेम्बर्स दस यू एन सिक्योरिटी काउंसिल है यू एन सिक्योरिटी काउंसिल में दस नॉन परमानेंट मेम्बर्स हैं तो करेक्ट आंसर इज़ टेन एंड जो परमानेंट मेम्बर्स है वो है फाइव इट इंक्लूड्स चाइना फ्रांस रशिया यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ये परमानेंट मेम्बर्स हैं एंड टेन जो होते हैं वो नॉन परमानेंट मेम्बर्स होते हैं कितने ईयर के लिए इलेक्ट किया जाता है बाई जनरल असेंबली दैन फॉर अम पीरियड ऑफ टू ईयर्स करेक्ट आंसर इज़ टेन एंड टेन परमानेंट नॉन मेंबर्स जो होते हैं वो वन नाइन्टी थ्री यूनियन स्टेट्स में किसी भी कंट्री से इलेक्ट हो सकते हैं कोई भी कंट्री नॉन परमानेंट मेंबर बनता है अल्टरनेटिवली आउट ऑफ दी वन नाइन्टी थ्री यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स